बाबा जी यहाँ पे आपको कितना साल हो गया? मेरा को 10 साल हो गया। 10 साल हो गया, अच्छा अच्छा। इससे पहले आप कहाँ पे थे? हम तो गृहस्थ आश्रम में थे। गृहस्थ आश्रम में थे, चल करे। अच्छा, और जो टाइम में संन्यास लेने का टाइम हो गया, बस चला आया। सब जो अर्जन करके हम सब अर्जन करके और सबको वर्जन करके हम इधर आए। अर्जन करके और सबको वर्जन करके आप यहीं पे आके पहुंचे हैं, अपना साधना का कर रहे हैं। अर्जन नहीं रहेगा तो वर्जन क्या करेगा? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। ये बात ये बता दीजिए कि यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं, तो मतलब यहाँ पे भक्तों का जो है समागम भी होता है और यहाँ पे इसका ऊपर बहुत विश्वास है। अच्छा। यहाँ का लोकल आदमी का, जी जी जी, जो मणिनाग गोसेंग का ऊपर, हाँ, यहाँ का लोकल आदमी का बहुत विश्वास है। जी जी जी, बहुत। अभी वो जो दीप लग रहा है ना, हाँ हाँ, एक आदमी का, उसका 2 किडनी पूरा निकल गया। अच्छा, ऑपरेशन हो गया, खराब हो गया, मतलब खराब हो गया। वो ऑलरेडी ऑपरेशन हो गया, उसका दीप जला है, काल सुबह से अभी तक जला हुआ है। अच्छा, अखंड दीप उसका, अगर अखंड है इसको आरोग्य होने के लिए। उसको काल उसका माँ 1 किडनी दे गया, उससे 1 किडनी आएगा, उससे उसको फिटिंग हुआ। अच्छा, 2 ऑपरेशन काल है, इसलिए वो दीप लगा के गया। यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्त आते हैं और वो यहाँ पे जो सर्प देवता हैं उनको भी पूजा करते हैं। हाँ, मणिनाग जी जो हैं उनको भी, वो नाग भाग सब देते हैं ना उसको। हाँ, जो मनोवांछा पूर्ण होने का बात है वो सब देते हैं ना। अच्छा अच्छा, वो सब भी देते हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और जो ये नारियल भी, उसको नारियल जो है सब बैठा है, कार्तिक पूर्णिमा को सब हम निकाल दिया, ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, वो गाछ भी हो गया इसलिए हम सब निकाल दिया। फिर कार्तिक पूर्णिमा से 1 महीना तक इतना हो गया। अच्छा, फिर कार्तिक मास को निकालेंगे हम लोग, इतना हो जाएगा। अच्छा, जो उड़िया में जो कहते हैं कठोर, जिसको हिंदी में कहते हैं खड़ा पादुका, पादुका वो क्या है? वो भगवान का। अच्छा अच्छा, महापुरुष जी का है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बाबा जी, यही सब कुछ है या फिर और भी कुछ है जो आप कहना नहीं, आप कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, हम सब नहीं बोल सकेंगे। अच्छा, इतना बोलना है बोल दिया, और उसका पीछे बहुत है। आप जैसे यहाँ पे रहते हैं, बोलेंगे नहीं बाबा, जैसे आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, यहाँ मतलब आम जो गाँव है, दूर दूर तक वहाँ पे गाँव है, तो यहाँ पे आपको डर नहीं लगता है? क्या डर लगेगा? तो मेरे को तो नाम मेरे को दिया भगवान ठाकुर निर्भयानंद। निर्भयानंद, क्या बात है क्या बात है। बाबा जी का नाम है निर्भयानंद, तो बाबा जी का डर किस बात का है? हम अकेले रहते हैं यहाँ पे, अकेले रहते हैं, क्या बात है, बहुत बड़ा। और जो हमारा असिस्टेंट है वो कौन दिन रहते हैं कौन दिन नहीं रहते हैं, समझ लो हम अकेले रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और सब आते जाते हैं, बस आते ही जाते हैं। और साल की अगर मैं बात करूँ, क्या क्या मतलब प्रमुख पूजा यहाँ पे होते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को रासो, कार्तिक पूर्णिमा यहाँ पे रासोत्सव, जी रासोत्सव बहुत बड़ा। हाँ, वो तो रात को 3 बजे स्टार्ट हो जाता है। एक बार मुझे मौका मिला था यहाँ पे आने का। और इसके अलावा जनवरी 20 को क्या होगा? बाबा का जन्मदिन, बाबा का जन्मदिन। अच्छा, गुरुदेव वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जी का यहाँ पे जन्मदिन है, जन्मदिन जो है मनाया जाएगा। पालन करते बाबा जी, 108 व्यंजन लगेगा, 108 व्यंजन लगेगा, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाबा जी का जो जन्म स्थान है वही बगल में है ना, जगन्नाथ 2 किलोमीटर दूर है, विश्वनाथपुर है, जमींदारों का खानदानी है, जमींदारी है, बाप माँ का एक बेटा है, और इसको सब छोड़ के वो चला गया। वो बोला कि मैं खेक संपत्ति को अर्जन नहीं करने हैं करेंगे, हमें अक्षय संपत्ति अर्जन करेंगे, इसलिए वो सब कुछ छोड़ कर चला गया। क्या बात है क्या बात है बाबा जी। बस अंत में एक ही बात है, भक्तों के लिए आपका क्या रहेगा संदेश, वो बात बता दीजिए। भक्त के लिए हमारा संदेश रहेगा जे सबको ये नया वर्ष में हम आशीर्वाद देता हूँ और सबका शुभकामना करता हूँ, बस। जी जी, बहुत बढ़िया बात है बाबा जी। आपको हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार। आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी है हमारे हिंदी दर्शकों के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनका खास एक मतलब रिक्वेस्ट था कि आप मणिनाग गुम्फा जाइए, मलिका वृंदावन स्थान है, और उसके बारे में क्या क्या महिमाएं हैं वो बाबा जी से पूछिए। तो बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोला तुम बड़े अच्छा से हिंदी में बता दूँगी। जी जी, नहीं आपने जो भी आपने हिंदी में बताए हमारे जो दर्शक हैं वो समझ गए होंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। तो फिर आप अभी देख रहे हैं
आप अभी सुन रहे थे बाबा जी को, बाबा निर्भयानंद महाराज जी जो इस पीठ के पीठाधीश हैं, और यही है वो मनीना गुम्फा, यही है वो मनीना गुम्फा जिसके बारे में बाबा जी ने आपको बताया कि क्या क्या है इस गुफा की महिमाएँ, और आने वाले अंतिम कालखंड में यहाँ पे क्या कुछ होगा। खाली इतना ही नहीं, जब कल की लीला शुरुआत हो जाएगा और यह लीला स्थान है, इतना ही नहीं, ये जो भक्त हैं मालिका के जो लिखे गए हैं भक्त, भक्तों की समागम स्थल यही बनेगा, भक्तों की परीक्षा स्थल यही बनेगा, और ये जलों का गुफा है, यहाँ गुफाओं के सीरीज है। कुल मिला के 752 यहाँ पे गुफाएं हैं, एक नहीं दो नहीं 752 जो है गुफाएं है, उसमें से सबसे बड़ा जो गुफा है यही है मनीना गुफा, और इसके बगल में है एक नली गुफा, ऐसे करके और भी बहुत सारी गुफाएं है अभी तक जो है सामने आ नहीं पाया है, बहुत ही गुप्त है। माना जाता है कि अभी भी वहाँ पे जो साधु संत है वहाँ पे गुप्त में उनका साधना वहाँ पे चलता रहता है, और बहुत सारे जो यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं, जो गांव के जो लोग हैं, उन्होंने भी वो साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं। और अंत में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही है देखिए, वो है अष्ट सखी हैं अंदर, और ये है हमारे 10 अवतार। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अंत में, आप देखिए यहाँ पे, यह है अष्ट सखी, अष्ट सखी जो है यहाँ पे है, पटिया कैमरामैन को बोलूंगा कि इसको थोड़ा फोकस करे, यहाँ पे जैसे आपको बाबा जी बोल रहे थे, ये देखिए ये बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं, और यह है अष्ट सखी, अष्ट सखी जो है यहाँ विराजमान है, और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ विराजमान है, और राधा कृष्ण यहाँ पे विराजमान है, और उसके बगल में आप देखिए जो महापुरुष वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी वो भी यहाँ पे विराजमान है, और यही है वो जो जगह जहाँ पे महापुरुष वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जी का साधना पीठ इसको माना जाता है, और ये मालिका के बहुत ही एक प्रसिद्ध स्थान है जिसके बारे में मालिका के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, शिवकल्प मालिका और कलिकल्प टीका, ऐसे बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उसमें भी इस जलों का और मनीना गुम्फा के बारे में लिखा गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे सेवायत है, आपका नाम राजधर बारी, आपका नाम है, अच्छा पास में आप रहते हैं या यहीं पे रहते हैं? अच्छा पास में आप रहते हैं, अच्छा कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? 50 साल, क्या बोल रहे, क्या बात कर रहे हैं, सच में 50 साल से यहाँ पे आप सेवा दब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब बाबा जी जब यहाँ पे थे, जीवित थे, उनको भी आपने मतलब देखे, उनका भी आपने सेवा की थी, बाबा जी के बारे में तो सब बाबा के बारे में, बाबा को कहीं दीरा शब्द कौन तो हम दर्शकों को तारा बढ़िया जोड़ सक्सेस मो एठी पंचम पर सिद्ध प्रत्येक लोकर विश्वास अछि कि नहीं मु दीप लगे मो पंचम पर मणिनाग भारंती पानी पिए को जानती पानी पी के अच्छा चार चलती हम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यह है मनीना गुम्फा, अगर यहाँ पे भी आप आना चाहते हैं तो एड्रेस नोट कर लीजिए, आपको आना पड़ेगा उड़ीसा प्रदेश, उड़ीसा प्रदेश में आपको आना पड़ेगा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन या फिर भुवनेश्वर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से उतरने के बाद आप सीधा आ जाइए कटक, 16 नंबर जो राजपथ है आ जाइए कटक, कटक जिला में एक जगह है टांगी, टांगी से आप लीजिए राइट टर्न, और यहाँ पे लिखा भी है जो टूरिज्म मंत्रालय का यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, वहाँ पे लिखा है आपको दिख जाएगा मनीना गुम्फा, और टांगी जो जगह है वहाँ से ये जगह है 7 किलोमीटर, बहुत सुंदर जगह है, आपको मतलब प्राकृतिक चीजों से भरपूर मिलेगा ये दृश्य ये स्थान, और आपको एक नहीं दो नहीं 752 यहाँ पे गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं जो है अभी भी गुप्त है, लेकिन फिर भी 30-40 गुफाएं जो है वो आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे मतलब 4-व्हीलर एक्सेस तो नहीं है, चल के आप जा सकते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए, कहाँ से आप वीडियो लिखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जय जगन्नाथ, जय पंचायत।